सारा अरेबिक फूड लगा हुआ, ये भी राम ने बस मेरे इस गुनाह के बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे और आज जुम्मा मुबारक। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। अभी हम जा रहे हैं बाजार के अंदर, यहाँ पे बाजार बना हुआ है, आपको विजिट कराते हैं बाजार का भी। यहाँ पे ज्यादातर जी फूड स्टॉल ही लगे हुए हैं एज यूजुअल, उधर भी फूड स्टॉल, इधर भी फूड स्टॉल, आगे वो आइसक्रीम है, देखते हैं और तो कुछ होना ही नहीं, फूड स्टॉल ही होने हैं। ये हैं जी दूसरे कपड़े वगैरह, ये भी स्वीट कॉर्न बना रहे हैं, मसाले वगैरह डाले हैं तो आप ग्लासेस में डाल, इसके बीच बटर, नमक और दूसरे मसाले वगैरह होते हैं। और ये ठीक है, ये स्वीट्स में जिसमें हमारे गुलाब जामुन होते हैं उसका उनकी कोई डिश है। सारा अरेबिक फूड लगा हुआ, ये भी ज़्यादातर जी ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं और अभी दूसरी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जी फ्राइज और ओनियन, ओनियन भी ये फ्राइड खाते हैं और ये अभी बन रहे हैं और उस साइड पे इनके कावे वगैरह लगे हुए हैं, कावे हैं और एक के बीच चाय भी होगी और इसके बीच जी कौन सा जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाए हैं। आमिश भाई जान जी फ्राइज ले रहे हैं और ये जी बंगाली रेस्टोरेंट है, वो जी इनका फ्रायर है और इधर फ्राई करके डालते हैं और ये वैसे प्रेजेंटेशन के लिए सामने रखा है जी। यहाँ पे रेडी कर रहे हैं सॉस वगैरह डाल के और ये जो रेडी पड़ी है और ये जो हमारे रेडी कर रहे हैं और ये जी अभी सब हमारे फ्राइज भी रेडी होके आ गए हैं और अभी हम अपने चिप्स खाते खाते आ गए हैं जी बाजार को देखने। और ये सारे अभी पीछे आगे ये सारे अभी कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पे जी ये कुकिंग जो कुकिंग वगैरह का सामान है यहाँ पे लगा हुआ है। हम देख रहे थे कि जो हमें मार्केट से नहीं मिला वो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं, चलते आगे और आपको भी दिखाते हैं। तो साथ साथ हम चिप्स इंजॉय करते हैं और अभी हम चलते चलते जी हम अपने मेले के काम को पहुँच चुके हैं। अब ये दो तीन दुकानें रह गई हैं और ये मेले के स्टार्ट पे भी और आखिर पे भी हमें खाने पीने की दोबारा दुकानें मिल गई हैं और वहाँ पर ये अभी ट्रेडिशनल फूड वहाँ पर लगा हुआ था वो हम छोड़ के आगे आ गए हैं और अभी चलते हैं। उस साइड पर भी थोड़ी बहुत शॉप्स हैं उनको भी विजिट करते हैं। उधर क्या इधर तो सिर्फ कपड़े ही थे ट्राउजर शर्ट वगैरह, या फिर एक शॉप थी जो यहाँ पे आगे अरबी ट्रेडिशनल फूड, या फिर इसके बीच एक परफ्यूम वगैरह की शॉप थी और अब यहाँ पे आगे हमें मिल गई। यहाँ पर जी हमें फिर वो पीछे बाइक्स मिल गई हैं जो इनके पीछे हैं जिनकी जिनसे हम जान छुड़वा के आगे थे क्योंकि इनके एग्जाम्स की वजह से हमारे कान बिल्कुल फट चुके थे। ये भी हम जा रहे हैं आगे और ये हम देख के फिर वापस जाएंगे अपनी गाड़ी में और फिर चलेंगे घर। राम ने बस मेरे इस गुनाह के बारे में बताना कि मुझे हेयर स्टाइल सही लगा कि नहीं। ये एक तो गर्मी पड़ी थी और एक घर वालों के कहने की वजह से मैंने अपना ये हाल कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कोई कैब, क्योंकि मुझे अपना हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा, अगर मिल जाती है तो ठीक है नहीं तो फिर कहीं मॉल जा के ले लेंगे। आ जाए और यहाँ पे बच्चों के बाइक वगैरह गिफ्ट वगैरह की शॉप लगी है, दिखा दें ज़्यादातर लोग शैम्पू या समंदर वगैरह में नहीं खाते किस तरह है थोड़े बहुत ट्राइज हैं और इस साइड में ये पोर्टेबल चेयर्स हैं सात फुटबॉल रखे हुए हैं और इसके अलावा आगे डेकोरेशन पीस है। ये जी स्टडी टेबल जो छोटे बच्चे ये जी बर्तन वगैरह टी पॉट जिसे कहते हैं और आगे आके फिर हमारे पास खिलौने आ जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको यही देखने को मिलना है कपड़े खाना पीना फिर आपको खोने फिर कपड़े फिर खाना पीना खोने और ये अभी फिर खोने आ गए। ये जी एक वक्त में बड़ा मशहूर हुआ था इसको ऐसे करके ऐसे खोने और अभी चलते हैं हम पापा लोगों के पास क्योंकि पापा लोग आगे गुजर गए और हम पीछे Yeah.
पकाओ पैरट, और ये लाखों में मिलते हैं पाकिस्तान एंड बीज में। और ये देखें छोटी छोटी बर्ड्स, नीचे भी दिखा दें, ये दिए छोटे छोटे बर्ड्स, बहुत क्यूट। और ये भी इनकी प्राइस भी ऐसी ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म की बर्ड्स हैं। और ये आगे नॉर्मल जो फिंच वगैरह, उधर भी एक पैरट लगा हुआ है, और एक उधर भी है ग्रीन कलर का बहुत बड़ा पैरट, आपको दिखाते हैं। रोबोट टाइप बैठाए हुए हैं इन्होंने, इनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये देखें किस तरह की आंखें हैं। और इनका लुक जो है ना वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। और ये ग्रीन पैरट बड़ी आंखों वाला, आपको पास जाके दिखाता हूँ, ये जी ये इतनी बड़ी आंखों वाला ग्रीन पैरट। और यहाँ पे वाइट पैरट, और ये मकाओ पैरट, और ये जो हमने आपको फिंचेस वगैरह दिखाए, ये इस वक्त फाइनली मेला ख़त्म हो चुका है। और आखिरी दुकान जो है वो है जी आर्टिफिशियल नहीं, नाना अल मदीना मनवरा, इसको कहते हैं फ्रेश पुदीना, फ्रेश क्या कहते हैं पुदीना, ये पुदीना, ये क्या है, हाँ गाइस हबक المدينه هذا فريش نانا المدينه هذا فرد جوش وفي ये जी। अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो कोई समझ नहीं आई। In the video, you should the customer is listening what the delicious or not. I have here also juice, lemon. Watermelon. Here, mango finish. Okay. Strawberry finish. Guava. This avocado. Okay. जो स्वीट्स में है ये ओट्स केक है, और ये ओरियो केक है, इसका मुझे पता नहीं, वो जो आमिश अभी लेने लगा था ये अरबिक फूड है, ये अरबिक फूड है, ये अरबिक फूड है, ये आलू है, ये केक है, ये उन्होंने घर सारे घर पे बनाते हैं, ये इनका कावा है, कावा। हम अपना लेमन जूस एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मजा लगा। हां नहीं साइड को ले बेटा, خلاص هو ايش كل معلوم هذا النفر الطيب يعني نبي एक वाटरमेलन जूस ले लिए, और ये साथ एक आमिश ने ओरियो केक लिया, और अभी चलते हैं। ऐसे रास्ते हम, ये अंकल बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। हम जी अपना जूस पी के दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पर ये परफ्यूम वगैरह लगी हुई हैं, क्रीम्स परफ्यूम, हमने बड़ा लेनी है, आपको अच्छे दिखा रहे हैं। और ये जी टॉयज़ की शक्ल में इन्होंने बनाई हुई हैं। यहाँ पर ये सारे पोर्टेबल बैग लगे हुए हैं, मतलब कि ये ऐसा एक खुला हुआ है, और ये जो है ये बंद है, ये बंद है और ये खुला हुआ, फ़र्क बस इतना ही है।
ये इन्होंने पैक से खोला हुआ है। ये जी पापा बता रहे हैं कि इसमें चीज़ें वगैरह दाल के लिए और दाल के लेके जाते हैं। ये चाय के लिए चाय का ये साइन बना हुआ है, ये इनका कौमी निशान है। मेरी ये मसाले वगैरह और दूसरी चीज़ें लगी हैं और अभी हम जा रहे हैं जी आगे की तरफ। आगे ये आधा बंद हो गया, आधा खुला हुआ है, वो उधर भी पर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जी इन्होंने पैक्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये कुछ सेम है, ये छोटी छोटी हैं। ये बड़े साइज में जो मैंने आपको उस दिन लूलू में दिखाई थी वो ही है, पर थोड़ी सी बड़ी हैं। और ये भी साथ ही चिड़िया वगैरह छोटी छोटी। ये किस तरह की है, सुभान तेरी कुदरत। और अभी इस वक्त जी हम वापस गाड़ी में आ गए हैं और अभी घर जा रहे हैं। लिया हमने कुछ नहीं है सिवाय खाने पीने के, पुदीना हमें मिला, वो हमें गिफ्ट मिला। अभी चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करें।